हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कैसे आप प्रोफेशनल के तरह वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। तो आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। देन प्लस बटन में क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेशियो। जब YouTube वीडियो की ले 16:2 रेशियो लेते हैं, हमें करना है। आपको कई वीडियो कैमरा में सेव किया हो तो कैमरा में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी इतना खास वीडियो नहीं होगा। तो एक ट्री के ऊपर से मैंने एक पिक उठाया था, कुछ इस प्रकार का कुछ है। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है। आपको चेक करना है कि किस साइड से आपका पार्ट काटने की ज़रूरत है, मतलब उसका कट लगाना है। जिसमें आपको लगता है कि इधर से शुरुआत होना चाहिए, यहाँ से कट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पूरा देख लेना है कहाँ से कहाँ क्या कट कर सकते हैं। अगर कोई बीच में अपने कट लगाया हो, मान लो आपने अगर कुछ लगाना है, मतलब ओके, ये प्लस के बटन में क्लिक करके यहाँ आप ये टेक्स्ट ट्रांजिशन लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ और पिक्चर वो सब लगा सकते हैं। 3D ट्रांजिशन लगा सकते हैं, नहीं तो ये ट्रेवल एक्टिविटी को ऑन करने से आप यहाँ पर सेकंड्स को यूज ले सकते। तो कितना सेकंड में वो मूव होगा, जैसे कि मैं 1 सिलेक्ट करूँगा तो बहुत फास्ट मूव होगा। उस एग्जांपल 4 ये चेक कीजिए। तो यहाँ पर चेक कर सकते, ऐसे करके आ जाता है। जैसे आप कोई वीडियो में कट लगाते हैं, मतलब कोई दूसरा वीडियो अगर ऐड करते हैं उसके साथ ये प्लस लगा के आप इसको इस तरह कर सकते हैं। और आपको कोई टैक्स लगाना है तो ये जो लेयर का बटन में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो टैक्स का ऑप्शन है आप यहाँ टैक्स लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, मीडिया लगा सकते हैं, और हैंड राइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो टैक्स में क्लिक करेंगे, आपको कोई भी टैक्स लिखना है, मान लिख लो आपका कोई भी टैक्स है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, इस तरह टैक्स लिख देगा। आपको कहाँ कहाँ से चाहिए, ये जो लेयर है ना, इस लेयर के ऊपर में आपको प्रेस करके रखना है, और आपको हाथ अपने हैंड फिंगर को मूव करना है, किस हिस्सा में कितना चाहिए किस हिस्सा में कितना नहीं चाहिए आप वीडियो को देख के पता कर लेना। आप उसको जब जब आप लेयर को 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये मूव होने लग जाएगा। आपको किसी दूसरे जगह में आपको चाहिए टेक्स्ट को लगाना, वहाँ पर इसको वहाँ रख सकते हैं कि इस जगह में टेक्स्ट चाहिए। और दूसरा चीज़ है, आपको यह कोई एनिमेशन लगाना है, मीन्स जो टेक्स्ट हो ना थोड़ा एनिमेशन टाइप लगे। तो यहाँ पर जो ये इन एनिमेशन में क्लिक करके कोई भी लगा सकते, जैसे इस तरह आएगा, इस तरह दिखाएंगे फेड का, आप कोई भी लगा सकते, बहुत सारा ऑप्शन है। और आपको आउट एनिमेशन में कोई भी लगा सकते, जैसे कि इस तरह दिखेंगे कुछ। इस प्रकार दिखेंगे। तो उसके बाद आप कुछ भी इस तरह टेक्स्ट लगा सकते हैं। और एक ऑप्शन है ओवरऑल एनिमेशन। इससे क्या होगा कि जो वीडियो एनिमेशन जो ये जो चीज़ तो दिखेंगे उसके ऊपर में ये चलते रहेंगे एनिमेशन, मीन्स इस प्रकार चेक कर लीजिए, इस प्रकार चलेंगे। आप इस ऐसे टेक्स्ट लगा सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो का पार्ट में कुछ आपको कुछ दिखाना है तो आप क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट होगा आपको कटर, दूसरा होगा आपको वीडियो का जो साइज, आप चाहते हो कि कौन सा वीडियो में ज़्यादा जूम हो, इस प्रकार का जूम कर सकते हैं, इसमें जूम हो, और लास्ट एंडिंग पोजीशन में कैसा कैसे दिखेंगे, इस प्रकार के दिखेंगे। आपका इस हिसाब से आप कैसे दिखाना चाह रहे हैं, मैं तो ऐसे डेमो के लिए बता रहा हूँ। इस प्रकार रखेंगे तो कुछ इससे वीडियो को जूम हो जाएगा, ऐसे आते 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 सडनली ऐसे जूम आउट हो जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। आपको चेक करना है कितना सेकंड के लिए कितना, यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाता है। आपको वीडियो को स्पीड बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, घटा सकते हैं,
अब जब 4x 8x तक स्पीड मिलता है, म्यूट ऑडियो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको वीडियो का वॉल्यूम बहुत कम है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो मिला है आपको उसको आगे पीछे करके कर सकते हैं। दूसरा आपको रोटेशन मिलता है, आपको वीडियो को रोटेट करना मतलब उल्टा है तो आपको उसको सीधा करना है तो ये रोटेट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है कलर, आपको वीडियो का कोई कलर कुछ चेंज करना है तो मतलब इस प्रकार कुछ दिखेंगे वीडियो का क्वालिटी। आपको इस सबसे इसमें होल्ड करके आगे पीछे कर सकते हैं, देख सकते हैं किस हिस्सा में ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत है, किस जगह में नहीं चाहिए। एक कलर ग्रेडिंग बोलते हैं, फिल्टर भी बोल सकते हैं फिल्टर। दूसरा आपको ऑडियो मिलता है, इससे क्या होगा जैसे कि कुछ आवाज़ है क्लिक करेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे तो यह प्लस करेंगे, यह प्लस करके इसे नीचे जाएंगे, इसे वॉल्यूम एप्लेन कहते हैं, किस हिसाब में कितना वॉल्यूम होना चाहिए। अब कम करना है तो इसको इंक्रीज को लेवल को कम कर सकते हैं इस प्रकार, फिर ये हो जाए इस प्रकार सुना लेंगे, यहाँ से सुनाते हैं। ऐसे वॉल्यूम कम हो जाएंगे। आपको ये तब यूज़ करना जब आपको कोई गाना चल रहा है बीच में बैकग्राउंड में, चलते 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 आप कुछ बोलना चाह रहे हैं उसी बीच में इसको अप्लाई कर देना है, जिससे आपको जो सॉन्ग है वो वॉल्यूम जो अपना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और सुनने में अच्छा लगेंगे, आप बात भी कर पाएंगे उससे, आपको गाना को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर इस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इधर पर इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट बटन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको चला सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये स्टोर का बटन है यहाँ पर क्लिक करने से आपका काइंड मास्टर स्टोर ओपन हो जाता है। जो नेटवर्क एरर है मेरा, नेटवर्क तो नेट साइड ऑन है, नेट का जो स्पीड है मेरा इस एरिया में बहुत स्लो चलता है नेट, मैंने तो मैं आपको दिखाई देता पर नेट बहुत स्लो चल रहा है। इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। अब फिर एक बढ़िया ऑप्शन ये भी मिलता है कि अब यह लेयर में अगर चाहते हैं कि नीचे और एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं लेयर के हिसाब से, कोई फोटो हुआ कुछ मान लो मैंने कोई इमेज सिलेक्ट कर लिया है पर इस प्रकार इमेज आपको कोई जगह में दिखाना है, मतलब ऐसे आपको कुछ फोटो दिखाना है तो इसको जिस तरह होल्ड करना है 2 सेकंड, आपको जिस हिस्सा में चाहिए उस कर सकते हैं और इसमें एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं, साथ साथ काइंड मास्टर मतलब क्रोमा की को भी ओपन ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो है बैकग्राउंड में कुछ दिखाना है, मतलब बैकग्राउंड ये जो होगा ना ये आपको वीडियो होगा और जो ये जो अभी जो बड़ा हिस्सा में ना एक पिक्चर ऐड कर लेना है, फिर बाद में अपने वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना लेयर में, फिर क्रोमा की को ऑन करने से जो आपने पीछे में जो पर्दा होगा जो आपने यूज़ किया है ग्रीन पर्दा वो हट जाएगा और पीछे में जो ये लेयर में जो फोटो होगा वो दिखेंगे, जैसे वीडियो को अच्छा दिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, ये इतना खास काम नहीं है, ये आपको वीडियो का जो ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है, ये आप कर सकते हैं, कन्वर्टर बोल सकते हो, आपको वीडियो का ऑडियो में बना के इधर साइड में रख देता है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं किस हिस्सा में ब्राइटनेस होना चाहिए, किस कंट्रेक्ट होना चाहिए और सैट्रेक्शन होना चाहिए, कम ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार इस तरह बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग भी मिल जाते हैं। अब ऑडियो के हिसाब से आप वॉल्यूम को मास्टर वॉल्यूम में कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, वीडियो में ऑप्शन मिलते हैं वीडियो किस तरह होना चाहिए, एडिटिंग किस तरह होना चाहिए, आपको स्क्रीन कैसे होना चाहिए, फिट इन स्क्रीन होना चाहिए ना फिल स्क्रीन होना चाहिए। अब फोटो का ड्यूरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार का ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार का। अब ये 2 ऑप्शन को ऑन करेंगे इस प्रकार करके खींच के तो ये ऑन हो जाएंगे, फिर से क्या होगा जब वीडियो स्टार्टिंग होगा ऐसे होंगे इस प्रकार।
ये बहुत काम का चीज़ है। ये वीडियो में आपको कोई वीडियो बना रहे हैं तब अप्लाई कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।